लखनऊ में निषादगंज की पहली गली में लगी भीषण आग, ये आग 3 मंजिला बिल्डिंग में लगी। प्रयागराज में दबंगों द्वारा एक युवक के कपड़े फाड़कर उसे बेरहमी से पीटे जाने और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने के मामले में पुलिस ने अब FIR दर्ज कर ली। नोएडा पुलिस ने देर रात एक फार्म हाउस में छापेमारी की। सेक्टर 135 में फार्म हाउस में हो रही थी पूल पार्टी, पुलिस ने मौके से 16 लोगों को किया गिरफ्तार। रेनोवेस्ट में सोसाइटी के निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ किया प्रदर्शन, सोसाइटी में पिछले 24 घंटे से नहीं लाइट की कोई व्यवस्था। कानपुर के सचिंडी थाना क्षेत्र में निजी बस और टेम्पो की भीषण टक्कर, हादसे में 17 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख, पीएम मोदी ने 2-2 लाख के मुआवजे की घोषणा की। गाजियाबाद में पति पत्नी में कहासुनी के बाद ससुराल वालों ने दामाद के घर पर चलाई गोलियां, बताया जा रहा है दोनों में खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ। धारचूला से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया, तवाघाट लिबुलेख मोटर मार्ग पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुनगर के पास लगातार 45 घंटे तक बंद रहा, मंगलवार की देर शाम को राजमार्ग छोटे वाहनों के लिए खुला गया। देहरादून में 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 28 नए मामले, एम्स ऋषिकेश में 6 मरीजों में 2 तरह के फंगस मिले। बाबा केदार के भक्तों को घर पर ही मिलेगा प्रसाद, डाक और कोरियर के माध्यम से घर तक भेजा जाएगा केदारनाथ का प्रसाद। बिजनौर में भीषण गर्मी में हाथियों का झुंड पहुंचा वाटर हाल, गर्मी से निजात पाने के लिए हाथियों का झुंड नहाते दिखा। राज्य सरकार द्वारा हफ्ते में 3 दिन बाजार खोले जाने के निर्णय के बाद आज हल्द्वानी में बाजार पूरी तरीके से खुल चुके हैं, सड़कों पर वाहनों की भी अच्छी खासी आवाजाही है। पुलिस लाइन में सिपाही ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, पुलिस लाइन ग्राउंड में पेड़ पर लटका मिला शव। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे के अंदर फांसी के फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव। बराज के थाना रिसिया क्षेत्र के ग्राम लखनवा कुठार गांव में एक 20 वर्षीय किशोरी के शव आम के बाग में लटका हुआ मिला। गोरखपुर में मोबाइल चोरी के आरोप में युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल। यूपी पंचायत चुनाव में पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव पूरा कराने के लिए और समय मांगा गया, राज्य निर्वाचन आयोग ने 12 जुलाई तक समय मांगा। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर, अलीगढ़ की वैक्सीन नोएडा में लगाने के मामले में FIR दर्ज, 2 सदस्य से जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हुई कार्रवाई। बलिया के गांव में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में उत्साह, 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का कैंप लगाकर किया जा रहा वैक्सीनेशन, एक हफ्ते के बाद 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को लगाया जाएगा टीका। पीएम केयर फंड से अलीगढ़ में लगेगा मुस्लिम विश्वविद्यालय में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, हर मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन होगी जनरेट। ग्रेटर नोएडा के लिए एक्वा लाइन पर मेट्रो आम जनमानस के लिए चालू कर दी गई है, लोग कोरोना नियमों का पालन करते हुए सफर कर रहे हैं। मऊ जिले में मुख्तार अंसारी के निर्माणाधीन अंसारी पब्लिक स्कूल की जमीन की जिला प्रशासन द्वारा कुर्की की गई, जिले के सभी थानों की पुलिस समेत सभी राजस्व अधिकारी मौके पर मौजूद। वाराणसी में गंगा का पानी दिखने लगा हरा, इसकी वजह काई है या फिर शैवाल, इसकी जांच की जा रही है। यमुना घाटी में रोजाना शाम के समय हो रही बारिश मुसीबत बन रही है, मानसून से पहले ही प्री मानसून ने दस्तक दे दी। गोंडा में हुई भारी बारिश, लोगों को मिली उमस भरी गर्मी से राहत, बीते कुछ दिनों से पड़ रही थी प्रचंड गर्मी।